मेड तक की सबसे स्पेशल सोप जो कि है लाड़िया चाट सोप, चाट की सोप है। तो हम अंकल जी से हम बात करेंगे कि इस चाट का नाम लाड़िया चाट सोप क्यों रखा, लाड़िया चाट रखने का कारण क्या है, ये हम पूछेंगे अंकल जी से। भैया अंकल जी से बात करते हैं। तो अंकल जी, सोप का लाड़िया चाट रखने का कारण क्या है? सोप का लाड़िया चाट तो क्या है, लाड़िया गुरुदेव का हमारा नाम है, मेरा नाम तो घनश्याम है, चाट बनाता हूँ। तो अंकल जी का नाम है घनश्याम जी, पर इनके गुरु जी थे जिनका नाम था लाड़िया चाट। तो बहुत कि इन्होंने अपने गुरु जी के नाम से अपनी शॉप का नाम रखा है। तो आज हम इनसे पूछेंगे ये इतनी फेमस क्यों है, इनकी चाट पूरे मेड़ता में बल्कि इनके विश्व में भी इनकी चर्चा चलती है इनके शॉप की। तो हम पूछेंगे इनकी क्या खासियत है और ये फेमस क्यों है। तो अंकल आप बताइए कि अपने चाट का फेमस क्यों है, नाम शुद्ध मसाले काम में लेते हैं सर, जीरा कोई भी मसाला वगैरह, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री से यूज़ किया हुआ कोई भी केमिकल और कोई भी मसाले यूँ नहीं लेते हैं, ये रियल और शुद्ध मसाले यूँ लेते हैं। तो अंकल जी से और पूछेंगे इसके बारे में। बिल्कुल, पिसा हुआ मसाला मार्केट से नहीं लाते हैं सर, साफ्ता मसाला लाते हैं, साफ्ते में क्या डालेगा डालने वाला, घर पर तैयार करते हैं, इसीलिए लोगों को अच्छा मसाला। तो अंकल गाड़ी से धंधा करते हैं, अंकल जी तो कितने साल पुरानी है आपकी शॉप? 40 साल हो गए मेरे को धंधा करके। ये शॉप मैंने इकरानों में लगाई, इकरानों से पहले मैं ठेला चला था, ऊपर देखो ठेले में लगा था, ऊपर देखो और ठेले में लगा था, चार्ट बेचता, गरीबी गुजरान करता और क्या। तो ये क्लास पास करते ही मैंने, मेरे पिताजी भगवान को प्यारे हो गए तो उनका ठेला था, वो पानी पिताजी बनाते थे और मेड़ता सिटी के अंदर बना के सबसे पहले मेरे पिताजी ने बनाए पानी पिताजी। इसी कारण से दोस्तों मेड़ता सिटी में फेमस है इनकी शॉप और ये बता रहे हैं कि 40-50 साल से इनकी शॉप चल रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हम आज अंकल से पूछेंगे यहाँ की क्या सबसे टेस्टी चीज़ है और हम बनवाएंगे और खा के देख के बताएंगे। तो फ्रेंड्स अंकल यहाँ की क्या सबसे फेमस चीज़ है और टेस्टी? चाट के नाम से आते हैं सर, चाट पानी पिताजी के नाम से आते हैं। तो हमारे को पानी पिताजी, हाँ तो इनका पानी भी बहुत अद्भुत है। तो फ्रेंड्स आज हम एक पहले चाट खा के देखेंगे और फिर पानी बसाते का भी बताएंगे। तो अंकल एक चाट बना दीजिए हमारे लिए। ये क्या अंकल? ये खजूर और टमाटर की चटनी। Yeah, you want to
तुम्हारी चाट आ चुकी है, तो हम टेस्ट करके बताएंगे आपको क्या टेस्ट है। वैसे तो यहाँ फेमस है ही इनकी चाट, तो आइए फ्रेंड्स टेस्ट करके बताते हैं। भाई क्या गर्मा गर्म चाट है ये, तो अब खाऊं कैसे इसको। तो फ्रेंड्स दिस इज फर्स्ट बाइट। इसकी दाम है गर्मा गर्म। क्या बात है फ्रेंड्स, बहुत जोरदार टेस्टी चाट है इनकी। तो फ्रेंड्स एक बार जरूर आप भी आके खा के देखिए टेस्ट का कैसा टेस्ट है। हाँ फ्रेंड्स चाट आ चुकी है, आगे बताएंगे आपको। तो मेरे साथ फ्रेंड्स ये है हरीश। हरीश कैसा टेस्ट है? बहुत बढ़िया है, अच्छा है। हाँ तो अंकल यहाँ पे मतलब कि जो हमें कटोरी देते हैं वो भी रियल बनाते हैं खुद यहाँ पे, ना कि फैक्ट्रियों से बनी हुई कटोरी का यूज़ करते हैं। तो ये है इनकी कला फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी नहीं बना सकता। और ये इस कटोरी का बेनिफिट क्या है अंकल से पूछेंगे, इस कटोरी से फ़ायदा क्या है अंकल? इस कटोरी से फ़ायदा है सर, अखबार सबसे शुद्ध चीज़ है, वो केमिकल से बनते हैं प्लेटें वगैरह, अच्छा। तो इसमें खाने से शुद्ध चीज़ मिलेगी अखबार में फर्स्ट क्लास। पानी पता से हम इसी में ही खिलाते हैं और किसी में नहीं खिलाते हैं। कोई कहता है दोना दो तो है ही नहीं भाई, और अच्छा। खाता है तो ठीक, नहीं खाता है तो ठीक, दोना तो यही मिलेगा। हम तो दही बड़े इसमें खिलाए हैं हमने तो। तो इसमें देखो कितना लिक्विड फॉर्म में भी दही आता है, तो भी अंकल इसी में खिलाते हैं। हाँ तो अंकल हमें खिला दीजिए अब पानी पूरी। चलो ये गोलगप्पे हम 10 रुपए के 5 खिलाते हैं सर, पांचों अलग अलग टेस्ट के खिलाते हैं। सभी पांचों टेस्ट अलग अलग होते हैं, मेरे को भी आ रहे हैं टेस्ट बताया। जैसे कि अंकल जी ने बताया था कि इनकी दुकान का नाम है लाडिया चाट वाले, तो इन गुरु जी का ही नाम है लाडिया जी, तो इनके नाम से शॉप चलाते हैं। और ये बताएंगे ये पत्थर वगैरह जो किस चीज़ के हैं, कहाँ से लिए हैं? तो उनके लिए पत्थर तो क्या है, हमने प्रण किया था अच्छा दुकान लेने के लिए। तो मेरे को इकरानों में दुकान मिली, दुकान लगाने के से पहले मैं ठेला चलाता था अच्छा। और ये गुरु महाराज के पत्थर, ये सारे जगह जगह से पत्थर लाए हैं हम, खुद जाके कन्याकुमारी रामेश्वरम मदुरई कोडेरनाल उनके हरिद्वार गंगा नर्मदा उज्जैन माँ कालेश्वर ओंकारेश्वर ममलेश्वर महेश्वर, ये महादेव की ही कृपा है सर। जिंदगी ऐसे मत जियो ताकि कोई फरियाद करे, जिंदगी जिंदा दिल जियो
ताकि मरने के बाद भी लोग याद करें। हेलो प्यारे, हाँ तो दोस्तों हम अंकल से पूछते हैं यहाँ क्या लोकेशन है, जैसे कि हमारे व्यूवर्स आना चाहते हैं, तो अंकल बताइए क्या लोकेशन है, क्या जगह है? मेहरदा सिटी का गांधी चौक है सर, रेलवे स्टेशन के पास ही मेरी दुकान है, आगे मार्केट है, आओ कभी मेहरदा सिटी, हमारे मीरा भाई के दर्शन करो, आनंद आ जाएगा, जिंदगी में याद करोगे मीरा भाई को, देखोगे तो मस्त हो जाओगे। यहाँ मीरा महल है, मालकोट है, और है बावड़िया हैं, बहुत अच्छे अच्छे सीन है मेहरदा की। तो फ्रेंड्स आप कभी मेरे तक घूमने आइए, अगर आप यहाँ के बारे में नहीं जानते तो पहले आप गांधी चौक है जैसे कि सामने देख सकते हो, यहाँ के जस्ट सामने अंकल की दुकान है, यहाँ खाइए और अंदाज लीजिए, फिर अंकल से पूछ सकते हो, अंकल सब बता देंगे आपको कि यहाँ क्या क्या है, मेरठा सिटी में कहाँ कहाँ घूमना है आपको, जैसे कि अंकल ने अभी बताया था आपको। ओके धन्यवाद अंकल जी। ओके फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।